आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर या इस तरीके से अगर आप सेव्ड लॉगिन को ऑन कर रहे हैं तो रिमूव अकाउंट लिखा आता है और यहाँ पर लिखे यू विल नीड टू इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड द नेक्स्ट टाइम यू विल वांट टू लॉग इन। ठीक है, दो ऑप्शन है रिमूव और कैंसिल। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप रिमूव पर दबाते हैं तो क्या होगा और कैंसिल पर दबाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले कैंसिल पर दबा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेव्ड लॉगिन लिखा है। ठीक है, तो सेव्ड लॉगिन का मतलब है आपने ये जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर उसे इस फ़ोन से आप लॉग आउट भी कर देते हैं, ठीक है, लॉग आउट करते हैं और वापस से लॉग इन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेकअप की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हो। ठीक है, सेव लॉग इन मतलब आपका अकाउंट, एक तरीके से आपका डिवाइस जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट जो है पकड़ लेगा, डिवाइस और अकाउंट एक दूसरे से जो है मैच वगैरह हो जाएंगे और इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट करने पर वापस से आप जो है आसानी से लॉग इन कर सकते हो। बाकी अगर आप इसे रिमूव पर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा सेव लॉग इन का। तो इसका मतलब ये कि सेव आपका लॉग इन जो इन्फो है, पासवर्ड हो, ईमेल एड्रेस वगैरह हो, वो सेव नहीं होगा अगर आप लॉग आउट कर देते हैं। वापस से आपको लॉग इन करते समय सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी, सारी मतलब ईमेल आपका जो भी यूज़र नेम ईमेल जो भी है वो डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, तभी आप लॉग इन हो सकते हैं।